Hey everyone, this is Prem Pandey and welcome back to your favorite YouTube channel, Educational Hikes. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की हनीडी बुक से पोएम नंबर 5, द स्कूल बॉय. यार ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन साथ साथ थोड़ी सी टिपिकल भी है, जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कोई भी एक सिंगल वीडियो ऐसी नहीं है जिसने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हो इस वीडियो का. आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए और उसके बाद आप बताइए कि वो वीडियो सही है कि जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं वो सही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं द स्कूल बॉय पोयम, इसकी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन. आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं यार तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं द स्कूल बॉय. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यार, इस पोयम का एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं. ये जो स्कूल जाने वाला बच्चा है वो अपने आप को एक ऐसे पक्षी से कंपेयर करता है जो कि पिंजड़े में बंद है, या वो अपने आप को एक ऐसे पौधे से कंपेयर करता है जो कि मुरझा चुका है. जब इस पौधे को खिलना चाहिए तब वो ये पौधा क्या हो चुका है, मुरझा चुका है. अब ये बच्चा ऐसा क्यों करता है हम इस पोएम में पढ़ेंगे. हमें पढ़ने से पहले कुछ जान लेना चाहिए. स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं क्या है. द स्कूल बॉय इज इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड. जो स्कूल गोइंग बॉय है इस पोएम में, जो स्कूल जाने वाला बच्चा है इस पोएम में, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है. वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, वो खुश क्यों नहीं है. Why does he compare himself to a bird that lives in a cage? वो अपने आप को एक ऐसे पक्षी से क्यों कंपेयर करता है जो कि पिंजड़े में बंद है, या वो अपने आप को एक ऐसे पौधे से क्यों कंपेयर करता है जो कि मुरझा चुका है जब इसे खिलना चाहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस बच्चे से ही जान लेते हैं कि ये दुखी क्यों है. तो मतलब ये पूरी पोयम बच्चा ही गा रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मियों की सुबह उठना. मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग, यहां पर शॉर्ट फॉर्म दी गई है. मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मियों की सुबह उठना. व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब पक्षियां हर पेड़ पर गाती हैं. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, कहीं दूर एक शिकारी अपना विगुल बजा रहा होता है, अपना हॉर्न बजा रहा होता है. अब विंड्स इस हॉर्न का मतलब क्या है, ये हॉर्न क्यों बजाया जाता है. ये हॉर्न फिगर में आप देखिए, एक सींग जैसी चीज होती है, जानवरों के सींग जैसी चीज होती है, इसको बजाया जाता है ताकि ये अच्छे से शिकार किया जा सके. मैं आपको पूरा एलिब्रेट कर देता हूं. ये जो शिकारी कुत्ते आप देख रहे हैं, इनको सिग्नल देने के लिए ये विगुल बजाया जाता है, या कभी कभी ये शिकारी कुत्ते अगर कोई शिकार कर लेते हैं तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए भी ये हॉर्न बजाया जाता है. तो आई थिंक आपको अब पता चल गया होगा कि हॉर्न क्यों बजाया जाता है. चलो आगे देखते हैं. कहीं दूर एक शिकारी अपना हॉर्न बजा रहा होता है, अपना बिगुल बजा रहा होता है, और स्काईलार्क पक्षी मेरे साथ गाती है. व्हाट स्वीट कंपनी, हम दोनों मिलकर, स्काईलार्क पक्षी और मैं दोनों मिलकर बहुत अच्छा गाते हैं. हम दोनों की जो कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है. तो पहले स्टैंजा में यहां पर कुछ नेचर की चीजों को बताया गया है कि जो गर्मियों की सुबह होती है वो बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पक्षियां हर पेड़ पर गाती हैं, शिकारी अपना बिगुल बजा रहा होता है और स्काईलार्क पक्षी मेरे साथ गा रही होती है. नाउ सेकेंड स्टैंजा, बट टू गो टू स्कूल, लेकिन वहीं पर स्कूल जाना, इन अ समर मॉर्न, गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना. ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये हमारी सारी खुशियों को छीन लेता है, ये हमारी सारी खुशियों को भगा देता है. अंडर अ क्रूएल आई आउटवॉर्न, एक निर्दयी आंखों की निगरानी में. निर्दयी आंखें किसको कहा गया है, टीचर्स जो है ना, वो क्रूएल मतलब कि ऐसा कहा गया है यहाँ पर बच्चों के लिए कि जो टीचर्स की आंखें हैं वो निर्दयी आंखें हैं, उनकी निगरानी में. द लिटिल वंस स्पेंड द डे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना पूरा दिन बिताते हैं. इन साइंग एंड डिसमे, बोर होते हैं, दुख में वो अपना पूरा दिन बिताते हैं. तो सेकेंड स्टैंजा में क्या कहा गया है, कहा गया है कि इन स्कूल जाना गर्मियों की सुबह, ये हमारी सारी खुशियों को छीन लेता है क्योंकि हमें कड़ी निगरानी में रखा जाता है और हम छोटे छोटे बच्चों को पूरा दिन इसी कड़ी निगरानी में, टीचर्स की कड़ी निगरानी में बिताना पड़ता है, और बोर होते हुए बिताना पड़ता है, दुख में बिताना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, उसके बाद बच्चा कहता है कि हमें घंटों तक, देन एट टाइम्स मतलब हमें बहुत समय तक
आई ड्रूपिंग सिट, मतलब मुझे झुक कर बैठना पड़ता है क्लासरूम में, एंड स्पेंड मेनी एन एनेक्सियस आर, और मुझे कई बोरियत भरे घंटे बिताने पड़ते हैं क्लासरूम में. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना तो अपनी किताबों में मुझे खुशी मिलती है, डिलाइट मिलता है. नॉर सिट इन लर्निंग्स बोअर, ना तो मुझे क्लासरूम में बैठ कर खुशी मिलता है. वॉर्न थ्रू विद द ड्रियरी सोअर, क्योंकि मैं पूरी तरीके से वॉर्न थ्रू हो चुका हूं, ऊब गया हूं. किन चीजों से? विथ द ड्रियरी सोअर. ड्रियरी सोअर का मतलब टीचर्स के लगातार लेक्चर्स की वजह से मैं बिल्कुल वॉर्न थ्रू हो गया हूं. ड्रियरी सोअर का मतलब क्या है? सोअर का मतलब होता है बारिश की बूंदे, लेकिन बारिश की बूंदे तो लगातार पड़ती हैं. सेम वैसे ही टीचर्स स्कूल में लेक्चर भी कॉन्टिन्यूअसली देते हैं ना, एक के बाद एक टीचर, एक के बाद एक टीचर. तो बस बच्चा जो है इस चीज से क्या हो चुका है? ऊब चुका है, वॉर्न थ्रू हो चुका है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. अब यहां पर बच्चा कुछ पूछ रहा है, कह रहा है कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग. कैसे वो पक्षी जो कि खुश रहने के लिए पैदा हुई है, वो कैसे एक पिंजड़े में बैठकर गाना गा सकती है? जो आजाद रहने के लिए पैदा हुई है, वो कैसे कैद में रहकर गाना गा सकती है? और उसी प्रकार से एक बच्चा जब डरा हुआ रहेगा, जब वो एनॉयड रहेगा, जब वो परेशान रहेगा, तो वो क्या करेगा? ड्रुप हिज टेंडर विंग, वो अपने नाजुक से पंखों को, जो उसके नए नए निकल रहे पंख है ना बच्चों के, वो क्या करेगा? वो उन पंखों को ड्रुप कर देगा, उन पंखों को वो तोड़ देगा. एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपने बचपन के दिनों को, अपने खुशी भरे दिनों को, जब उसे खुश होना चाहिए, इन दिनों को वो क्या करेगा? भूल जाएगा. और बच्चा आने वाले समय में वो कभी भी अब खुश नहीं रह पाएगा, अगर वो डरा हुआ रहेगा, अगर वो एनॉयड रहेगा. समझ गए? अब लास्ट पैराग्राफ है हमारा. ओ फादर एंड मदर ए बर्ड्स आर निम्ड. यहां पर पूरा ये कहा गया है, आप मान के चलो इस पूरे पैराग्राफ में बात तो हो रही है बच्चे की, लेकिन एग्जाम्पल लिया गया है पौधे की. आपको कहीं कहीं लगेगा कि पौधों की बात हो रही है, क्योंकि बर्ड्स क्या होते हैं? प्लांट्स में होते हैं. हमारे चाइल्ड बच्चों में बर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है? और ब्लॉसम्स का मतलब भी होता है जो फूलों के लिए ही यूज होता है. प्लांट्स, तो ये सारी चीजें प्लांट्स के लिए ही है, लेकिन यहां पर बच्चे का एग्जाम्पल लिया गया है. मैं आपको बताता हूं, फिर से समझाता हूं. ओ फादर एंड मदर, ओ माता और पिता, इफ बर्ड्स आर निब्ड, अगर हमारे नए नए खुशियों को, जैसे जैसे प्लांट्स के जो नए नए उग रही पत्तियां हैं, नए नए उग रहे स्टेम्स हैं, अगर उनको तोड़ लिया जाएगा और उनकी खुशियों को छीन लिया जाएगा, और अगर नाजुक इन इन टेंडर प्लांट्स को, इन नाजुक पौधों को दूर रखा जाएगा, ऑफ देयर जॉय, उनकी खुशियों से दूर रखा जाएगा, कब? इन द स्प्रिंगिंग डे, जब इन पौधों को खिलना चाहिए, जब इन बच्चों को खुश होना चाहिए, जब इन बच्चों के खुशी के दिन है, तब इन्हें अगर खुशियों से दूर रखा जाएगा, और उन्हें क्या दिया जाएगा? सौरो, दुख दिया जाएगा, और उन्हें केयर्स, डिस्मे, डिस्मे का मतलब भी दुख होता है, अत्यधिक उनकी देखभाल की जाएगी, अगर उन्हें बहुत ज्यादा रोक टोक किया जाएगा, तो हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, कैसे फिर, कैसे जो गर्मियों की सुबह होगी वो कैसे खुशनुमा होगा, कैसे कैसे जो समर मॉर्निंग है वो कैसे जॉयफुल होगा, या कैसे वो पौधे गर्मियों में फल ले पाएंगे. मतलब इनडायरेक्टली कहा गया है कि अगर बच्चों के बचपन को ही छीन लिया जाए, तो वो आगे चलकर कैसे प्रोडक्टिव होंगे, वो बिल्कुल भी वेस्ट हो जाएंगे अगर उनको शुरुआत की खुशियां नहीं दी गई. तो द पोयम इज रिटन बाई विलियम ब्लैक. आई थिंक आपको पोयम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है, मुझे पता है ये पोयम थोड़ी सी टिपिकल है, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, आपको विद इन अ मिनट कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, विथ जो भी आपका डाउट है वो हम आपको क्लियर करके दे देंगे. तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.